चलो मेरा नाम रोशन कुमार है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके पहले तक हम लोग बेटा पाइथागोरस थ्योरम बताए थे और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेसन फर्स्ट क्लास 10th लेवल का मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को 10th क्लास आपको पढ़ाएंगे। 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आपको हम जरूर से जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री एमपी क्वाड्रेंट में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो मेरे को आज प्रॉब्लम करना था, ऐसे हम लोग पूरा फार्मूला आपको करवा दिए थे और फार्मूला को करवाए थे तो फार्मूला को मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं बेटा। सबसे पहले मैंने बताया था sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec थीटा का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा का वैल्यू क्या होता था बेटा, sec थीटा का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस और cot थीटा का वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर मैंने बताया था sin थीटा और cosec थीटा रिलेशन, तो क्या होता था sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा 1 / cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 / sin थीटा। फिर मैंने बताया था tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा क्या होता बेटा 1 / cot थीटा, cot थीटा क्या होता 1 / tan थीटा। फिर मैंने बताया था बेटा तुमको, मैंने फिर बताया था sin cos में रिलेशन, sin cos थीटा + cos cos थीटा इक्वल टू 1, तो sin cos थीटा 1 - cos cos थीटा, cos cos थीटा 1 - sin cos थीटा। फिर मैंने बताया था तेरे को sec cos थीटा माने tan cos थीटा इक्वल टू 1, तो sec cos थीटा इक्वल टू 1 + tan cos थीटा, tan cos इक्वल टू tan cos थीटा इक्वल टू sec cos थीटा माइनस 1। फिर मैंने बताया था बेटा आपको cosec cos थीटा माइनस cot cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा बेटा cosec cos थीटा इज इक्वल टू 1 + cot cos थीटा। अब cot cos थीटा मेरे को पूछेगा तो cosec cos थीटा माइनस 1। अब देखो आप लोग सोच रहे हो कि सर आपको इतना कैसे फ्रीक्वेंटली याद है, तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग भी जब प्रॉब्लम बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तो आप लोग का भी हो जाएगा। और एक बात और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बेटा कि जिसके पास ये वीडियो पहुंचे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि पूरा भारत का बच्चा मैथ अच्छा से पढ़े, गरीब से गरीब का बाल बच्चा पढ़ सके, क्योंकि हम लोग का वीडियो हमेशा यूट्यूब पे फ्री रहेगा। ओके, तो हम लोग बेटा आज क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स क्वेश्चन। सिंपल, मैंने पहला लेसन जो बताया आप केसी सिन्हा का बुक से कोई भी बना सकता है, 10th लेवल का 10th स्टैंडर्ड का केसी सिन्हा का बुक होगा, उससे कोई भी बच्चा प्रॉब्लम बना सकता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को अगले क्लास में बता देंगे। तो देखो बेटा मैंने सिंपल क्वेश्चन करने जा रहा हूं। लेट कर लो कि एक ट्रायंगल है, लेट कर लो एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। अब लेट कर लो बी 90 डिग्री है और ए बी का वैल्यू बेटा तेरे को 4 दिया है और बी सी का वैल्यू बाबू कितना दिया है 5। तो तेरे से पूछेगा कि सर जी ये बताओ, अब मेरा से कोई पूछेगा साइन ए का वैल्यू क्या होगा, फिर मेरा से पूछेगा दूसरा क्वेश्चन साइन सी का वैल्यू क्या होगा। मैं यही चीज समझना बेटा, साइन ए का वैल्यू पूछेगा, साइन सी का वैल्यू पूछेगा। अब देखो सबसे पहले बात यह होता है कि साइन ए का वैल्यू होता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे को मालूम है, परपेंडिकुलर मेरे को मालूम है, बिकॉज ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तुम्हारा 4 होगा। मैंने बताया था थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस। मेरे को हाइपोटेनस मालूम नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेटा, बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे को मालूम नहीं है तो क्या हुआ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बेटा, लेट कर लो 4 का स्क्वायर प्लस क्या बेटा 3 का स्क्वायर। अब लेट कर लो, देखो क्या हुआ, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 9। अब देखना बेटा हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 16 और 9 क्या होगा 25 का स्क्वायर क्या होगा आप लोग का पता होगा 5। अगर जब किसी को भी पता नहीं चल रहा तो दम ठेठ में समझ लीजिए। देखिए बेटा रूट के मतलब होता है कौन सी चीज, देखिए रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। पहले भी मैं बताऊ, अब देखिए 25 को 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 बेटा, इट मींस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मैंने क्या बोला, रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2।
तो क्या बेटा 5^2 / 1/2 क्या हो गया 10। तो आंसर क्या गया बेटा 5। तो तेरा हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आया है 5। सबसे फर्स्ट लेवल का यही क्वेश्चन होता है ना, सिंपल। कोई बच्चा 10th में गया होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा। अब 11th 12th के बच्चे होंगे तो थोड़ा सा बेटा इतना दिन इंतजार किया, थोड़ा दिन और इंतजार करो, आपको पक्का मैं IIT से अच्छा लेवल में पढ़ाऊंगा, मैथ को एक लेवल तक पहुंचाऊंगा पूरा भारतवर्ष में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। रोशन कुमार एक बार बोलता जो करता भी है, ठीक है। तो 4 हो गया बेटा, 3 हो गया और हाइपोटेनस मेरे को मालूम हो गया। अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है, कैसे बता सकता हूँ? थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा, चेंज होगा। अब ए के रिस्पेक्ट में बेटा परपेंडिकुलर 3 होगी, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया 4। तो मेरे को क्या पूछ रहा है, साइन ए, क्या पूछ रहा बेटा साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ए का पॉइंट वाला परपेंडिकुलर होगा। ए का पॉइंट क्या होता है, ए का पॉइंट क्या होता है, बीसी। बीसी अपॉन क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस एसी। बीसी का लेंथ कितना होता है 3 सेंटीमीटर, बीसी का लेंथ 3 सेंटीमीटर और एसी का लेंथ कितना होता है 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या हो गया तुम्हारा, साइन ए का वैल्यू हो गया बाबू 3/5। ओके, अब तेरा से पूछेगा साइन सी का वैल्यू, साइन भी पूछ रहा बट साइन सी का वैल्यू पूछ रहा। तो साइन सी का वैल्यू कैसे निकालें बाबू, तो सी के रिस्पेक्ट में देखो बेटा, सी के रिस्पेक्ट में सी के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर सी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया बेटा एबी, एबी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया तेरा एसी, और एबी का लेंथ कितना होगा 4/5। कोई दिक्कत, देखो ये समझ में आ गया होगा तुमको। अगर जो प्रिंट करना तो पॉज करके कर लेना, अगर प्रिंट करने का जरूरत तुरंत पड़े होगा, नहीं तो सिंपल चीज है, ये सब उतारने का भी कोई जरूरत नहीं। देखो मैंने बोला था 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, तो मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। अब देखो बेटा इसी में और ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पूछ सकता तेरा से। कोई पूछे तेरा से कॉसेक सी, कोई क्या पूछे बेटा कॉसेक सी का वैल्यू, क्या पूछा कॉसेक सी का वैल्यू। ओहो कॉसेक सी होता क्या बेटा, कॉसेक थीटा होता क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मेरे को मालूम है, हाइपोटेनस तो फिक्स है बेटा एसी। आप देखो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, सी के रिस्पेक्ट में सी के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया एसी अपॉन तुम्हारा परपेंडिकुलर एबी। अब बताओ बेटा 5 अपॉन क्या हो गया 4, ये में तेरा कॉसेक सी का वैल्यू। अब तेरा से कोई पूछेगा कॉट ए का वैल्यू, कोई पूछे क्या बेटा कॉट ऑफ ए का वैल्यू, कॉट ए का वैल्यू कोई पूछे कैसे निकालें। तो कॉट ए होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बेस को खोजते हैं बेटा, तो ए के रिस्पेक्ट में ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा एबी। तो क्या हो जाएगा एबी अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ ए के रिस्पेक्ट में बीसी। तो एबी का वैल्यू क्या बेटा 4 अपॉन क्या हो गया तेरा 3। इस तरह से आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू पूछेगा तो सबसे पहले एक बात याद रखना, थीटा के सामने वाला थीटा कौन हो सकता है, सी भी हो सकता है ए भी हो सकता है। अगर जो कॉसेक ए कॉट ए टैन ए का वैल्यू पूछे तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और बाकी जो बचेगा बेस हाइपोटेनस फिक्स है सबसे बड़ा सा। तो दिक्कत, अब आप लोग इसको आप लोग कर सकते हैं, पहला लेवल का यही क्वेश्चन है, मतलब सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ओके। मन लगा के पढ़ना होता था, मेहनत करके पढ़ाएंगे, जम के पढ़ाएंगे, और 11th वाला बच्चा 12th वाला बच्चा टेंशन मत लेना तेरे लिए। अगर जो IIT का सिलेबस सचमुच में मैं मन से पढ़ाऊंगा तो 4-5 महीना बहुत है, बट हम लोग लगभग 1.5 साल के आसपास ले जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, बेसिक से बेसिक चीज को जानेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम क्या करता है बेसिक चीज। 11th 12th का भी तेरे को प्रॉब्लम नहीं करेगा, ओके। अब देखना कुछ इसमें कुछ और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन तेरे को दिया है, ऐसे आप लोग बनाना क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरे से पूछना। एक क्वेश्चन दिया है तेरे को, देखो हर तरह का क्वेश्चन मैं प्रयास करता हूं तो आप लोग को बता दूं, ओके। देखो क्या बोल रहा है, साइन थीटा
बोल रहा है तेरे को साइन थीटा का वैल्यू बेटा 4/5। ओहो बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा एंड कॉट थीटा। अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा लेकिन बाद में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, है ना। तो ज्यादा छोटा नजर आ नहीं आ रहा होगा आप लोग को, लिखने का छोटा मेरा आदत है बेटा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या बेटा, साइन थीटा का वैल्यू है 4/5। देन बोलता फाइंड टैन थीटा एंड बची बेटा कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें और ऐड कर सकते हो तुम, डाल दो सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब बोल रहा बेटा साइन थीटा का वैल्यू 4/5 कितना इजी है, देखो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया। अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे लेकिन बाद में नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा बेटा। तो देखिए बाबू एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अब इसमें थीटा को थीटा बोल रहा है तो मैं थीटा किसी को मानूंगा, सारा कुछ सही होगा। अब लेट कर लो, ए हो गया बेटा, बी हो गया सी, बी को मैंने 90 डिग्री माना तो बी का अपोजिट का साइड एक बार तो पक्का हाइपोटेनस फिक्स हो गया, और माइनस बेटा थीटा को सी को मैंने थीटा मान लिया तो मैं थीटा सी को मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेटा बेस। फिर से समझिए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और एक जो बचा तेरा वो क्या हो गया तेरा बेस। अब क्या बोल रहा बेटा साइन थीटा का वैल्यू गिवन, गिवन क्या दिया हो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब देखना बेटा परपेंडिकुलर तेरे को दिया हुआ है 4, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ बेटा 4, और तेरे को बेटा हाइपोटेनस दिया है 5। तो देखो परपेंडिकुलर थीटा मैंने सी को माना तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा 4, और हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा 5, हाइपोटेनस क्या है 5। अब देखो मेरे को निकालना है बेस, तो फिर से मैं वही वाला गीत गाऊंगा सेम सेम, क्या करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखो बेटा हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस क्या तेरा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया हुआ बेटा क्या दिया हुआ 4 का स्क्वायर, अब प्लस क्या दिया हुआ बेटा बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 25 बराबर 4 का स्क्वायर क्या होगा 60 प्लस क्या बी एस पर। अब देखो बेटा इसको इधर मैं ला रहा हूं 25 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या बेटा बी एस पर, क्या हो गया तेरा 9 इज इक्वल टू बी एस पर। अब इधर से स्क्वायर को मैं हटा रहा हूं तो रूट इधर आएगा, कैसे आएगा मैंने बताया, क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लगाते हैं 9 इज इक्वल टू क्या बेटा बी, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, 3 इज इक्वल टू क्या होगा बी, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं जब मैं मॉडुलस बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलो तो क्या हो गया बेटा बेस तेरा आ गया है 3, बेस क्या आ गया 3, बेस क्या आ गया तेरा 3। अब तेरे को पूछ रहा है क्या टैन थीटा, तुमसे क्या पूछ रहा है बेटा टैन थीटा का वैल्यू, बाबू टैन थीटा के वैल्यू पूछा है तो कोची करेगा टैन थीटा बराबर कोची होता बाबू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा 4, अब बेस कितना बेटा 3, एक आंसर तेरा आ गया। अब क्या पूछ रहा है कॉट थीटा का वैल्यू, क्या पूछ रहा कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना होगा 3, परपेंडिकुलर कितना बाबू 4, 3 अपॉन 4। अब तेरा से क्या पूछ रहा है सेक थीटा, क्या पूछ रहा है बेटा सेक थीटा। देखो ये सब सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करेंगे, पता है छोटा छोटा चीज करके ना बेटा आदमी आगे बढ़ता, हम कभी रिपीट नहीं होता, पढ़ाने का बात बोलोगे ना तो एमएससी तक एकदम बेहिचक पढ़ाएंगे, खतरनाक मैथ पढ़ाएंगे, बट पता है देखो ना कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन को मैं आराम से कर रहा हूँ, तो आप लोग भी करिए पक्का अच्छा होगा। जानते हो मेहनत इतना अच्छा चीज होता है ना मेरे भाई कि पता नहीं, मेहनत दुनिया में सबसे अच्छा चीज होता है, मेहनत करेगा तो
समय आपको क्या करेगा, जरूर बदल दो। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या होगा 5, बेस कितना बेटा 3, 5 अपॉन 3। इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कोई अगर जो पॉज करके देखना चाहे या लिखना चाहे बनाना चाहे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा आगे का क्वेश्चन करते हैं, कुछ और अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि जहां आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता, मैं हर तरह का क्वेश्चन कर दूंगा। आरटी लेवल पे भी वही करूंगा, 11 12 भी मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या करूंगा टेस्ट बुक ओवे भी मैं सबसे एडवांस बुक पढ़ाऊंगा और उसमें सारा मैक्सिमम अच्छा क्वेश्चन मैं, मेरा यही को भी है, मैं अपने आप को सबसे कमजोर विद्यार्थी मानता हूं और मैं अपने आप को ही टीचर मान लेता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि भाई मैं नहीं समझ रहा हूं, तो मैं अपने आप को समझाता हूं, अपने आप से सवाल भी करता हूं। इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि सारे बच्चे, जो सबसे कमजोर बच्चा हो उसका प्रॉब्लम भी हम क्लास के अंदर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं बताऊँ, मैं बुक को जो भी बुक फॉलो कराऊंगा बता दूंगा। और ऐसे मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री, केसी सिन्हा और एस एल लोनी, बहुत अच्छा बुक है। देखना एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन करते हैं। और मैं बोला हूं कि मैथ्स में बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, आप ग्रेजुएशन करोगे, मैं आप लोग से भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करो, मैं एमएससी तक मैथ पढ़ाऊंगा। बट अभी मैं आईआईटी के लिए, क्योंकि बहुत बच्चा का सपना होता है मैथ खराब होता है, इसी की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हम लोग कोशिश करेंगे बेटा उसका सिलेक्शन हो। चलिए देखिए बेटा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है बेटा इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0.75। ओहो, अब बोलता क्या बेटा 0.75, देन फाइंड, बोलता बेटा देन फाइंड क्या, बोला sin थीटा, देन फाइंड sin थीटा। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है, उतना भी अच्छा नहीं, आराम से बचकाना सवाल मजा लेके बनाएंगे हम लोग। देखना बेटा क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू दिया 0.75, ओह पॉइंट में दिया, तो हम इसको रेशियो में लाएंगे, बहुत सिंपल है। तो देखिए tan थीटा ना मेरे बाबू 0.75, तो कैसे लिख सकते हैं जी, 75/7 लिख सकते हैं, 0.75 पॉइंट के बाद 2 अंक है, एक पर कितना शून्य उतारेंगे 200 और हम लोग काटेंगे बेटा, देखो 25 चौका 100, ये सब सीख लीजिएगा ना, आता होता कही आते हो क्लास लगा देने, है ना, 25 चौके 100, 25 दिया 75, कितना हो गया बेटा 3/4। ओहो, tan थीटा का वैल्यू बोल रहा है बेटा, tan थीटा का वैल्यू 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तब एक एक गीत गाना है 10th क्लास। और हम लोग याद रखिएगा आरटी लेवल पे जाएंगे तो चाहे तो कार्टेशियन क्वाड्रेंट हम लोग आरटी लेवल तक पढ़ना, पोलर क्वाड्रेंट बहुत कम पढ़ना है, बट हम लोग पोलर क्वेश्चन पोलर क्वाड्रेंट से भी क्वेश्चन करवाएंगे, इसीलिए हम लोग का लेवल बहुत अच्छा होगा। अभी इजी जी बना रहा है, मजा भी आ रहा होगा, हमको भी अच्छा लग रहा है। ए बी सी, ए बी सी, बी है बेटा सी है, बी को 90 डिग्री माना तो ये हाइपोटेनस हो गया, सी को मैंने थीटा माना, मैं इसको भी थीटा मान सकता हूँ लेकिन मैंने सी को माना, तो सी के सामने वाला क्या हो गया बेटा परपेंडिकुलर, बाकी बचा जो क्या रह गया मेरा बेस, क्या दिया है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो tan थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा 3, बेस क्या हो गया बेटा 4, तो परपेंडिकुलर के जगह पर मैंने क्या डाला 3, बेस के जगह पर मैंने क्या डाला 4, तो मैं अब हाइपोटेनस निकालूंगा। अब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस मालूम है तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देख लीजिए। तो क्या बोलता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे को मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना बेटा, परपेंडिकुलर क्या 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया बेटा 4 का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा 9 प्लस कितना जी 16, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, 9 और 16 कितना हो बेटा 25,
इज इक्वल टू कितना जी 5। तो तुम्हारा इस तरह से हाइपोटेनस कितना मालूम हो गया बेटा 5। अब पूछता क्या था, बहुत सिंपल सवाल कौन पूछता था बेटा, sin थीटा का वैल्यू कौन सी होगा। ओहो sin थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताइए परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3, हाइपोटेनस कितना है बेटा 5। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। मजा आ रहा है ना जी, आइए रहो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन सारा करवा देंगे बोले ना हमको प्रॉब्लम बनाने में मजा आता है। चलिए देखिए बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, एक रूट वाला कराते हैं। बोलता क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/1। ज्यादा लंबा जा रहा है क्या, है ना, कितना मिनट हुआ 21 है 20 मिनट 20 होने तो 5-6 मिनट है ना। हां एक दो क्वेश्चन और कर लेते फिर करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा रूट 3/1, tan थीटा इक्वल टू क्या बेटा अंडर रूट 3। बोलता है फाइंड साइन थीटा। ओहो अब रूट 3 रूट वाला देखते हैं बेटा, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखना बेटा tan थीटा का वैल्यू फिर से वही वाला गीत गाएंगे ना, राइटिंग ट्रायंगल बनाएंगे, ए हो गया बेटा, बी हो गया बेटा, सी हो गया। अब देखो इसको थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बाबू 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, अब बाकी जो बचा होगा बेस। अब देखना बेटा क्या tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है रूट 3, बेस क्या है 1, इसको क्या लिखेंगे रूट 3, इसको क्या लिखेंगे 1। फिर से वही गीत गाएंगे हाइपोटेनस। तो क्या होता है बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा काय पाइथागोरस 50 मिनट में प्रूव करके दिखाया हूं, और आप लोगों को जान लीजिएगा वो वीडियो देख लीजिएगा जाकर पाइथागोरस के, हमको ना लगता है कि इंडिया में इतना देर को समझाया होगा, 50 मिनट खतरनाक उसको देखिए। ऐसे जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस मालूम नहीं है तो परपेंडिकुलर मालूम है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा 3, 3 प्लस 1 हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 4। तो हाइपोटेनस क्या हो गया अंडर रूट 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, इज इक्वल टू क्या हो गया 2। हाइपोटेनस क्या निकल गया 2। अब पूछता है क्या होगा साइन थीटा का वैल्यू, तो लिखते हैं साइन थीटा। ये सर साइन थीटा कौन सी होगा नहीं पता था भाई, देख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना बेटा अंडर रूट 3 अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है। इस तरह से हम लोग का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, कितना इजी है, मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे, बंद करेंगे, और हम लोग आगे अगला क्लास में और अच्छा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का पहला क्लास है, तो मैं थोड़ा सा छोटा ही बनाना चाहता हूँ और फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं एक घंटे का क्लास भी लगाऊंगा, बट अभी शुरू शुरू थोड़ा सा क्लास छोटा रखना होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, देखते हैं अच्छा क्वेश्चन करो। बोलता है क्या इफ tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन क्या होता है एन। ओहो तो बोलता है देन फाइंड क्या बोलता था देन फाइंड साइन थीटा। तो पूछता है क्या साइन थीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ओ हो
देखते हैं कब करते हैं, फिर वही कहानी करना बेटा, कौन सेव करना, एम रहे एम रहे पी रहे क्यू रहे। आज का मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और आप लोग से कहते हैं बेटा मन लगा कर पढ़िए, मैं भी मन लगा कर पढ़ाऊंगा, जितना मेहनत करना होगा मैं करूँगा। देखिएगा थीटा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस माइनस थीटा, इसको मान लिया, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। अब देखना टैन थीटा गिवन क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बेस कितना होता है एन। ओहो तो परपेंडिकुलर के जगह मैं क्या रखूंगा अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओहो और बेस के जगह मैं क्या रखूंगा बेटा एन, बेस के जगह एन, तो हाइपोटेनस मेरे को नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे हाइपोटेनस निकाल लेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखना बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओहो और क्या बोलता है बेटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है एन स्क्वायर। ओहो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा होगा एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट के लिए उड़ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो क्या हो गया एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर देयरफॉर एम, तो हाइपोटेनस क्या हो गया एम। पूछ क्या रहा है साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन क्या बेटा एम, इस तरह से ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। और आप लोग को उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जब बताया होंगे तो आपको समझ में आया होगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और इसको बोला ना मैंने प्रॉमिस किया मैथमेटिक्स को लेवल तक ले जाऊंगा, कुछ दिन इंतजार करिए हम लोग लेवल में पढ़ाएंगे। ओके।